आज पूरा देश खुश है और हर तरफ राम की गूंज है, क्योंकि काफी सालों के संघर्ष के बाद रामलला को अपना घर मिला। घर मिलने से मतलब ये कि अब रामलला के लिए भूमि पूजन हुआ और उसके बाद मंदिर का निर्माण होना शुरू होगा। लेकिन इसी बीच राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर अपने पद की गरिमा का उल्लंघन किया। ओवैसी ने आगे कहा कि ये दिन हिंदुत्व की जीत और लोकतंत्र के साथ साथ सेक्युलरिज्म की हार का भी है। मैं आज भावुक हूँ क्योंकि मैं नागरिकों की सहभागिता और समानता में यकीन रखता हूँ। उन्होंने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियत प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया।